आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी के राजनीति में उस समय बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सपा नेता अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर सामने आ गई। मौर्य के बाद उनके कुछ समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस बीच औरैया जिले की बिधूना सीट से भाजपा विधायक विनय शाक्य की गायब बताए जा रहे हैं। उनकी बेटी ने दावा किया है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से आई ताजा बयान में कुछ और ही बात निकल के सामने आ रही है। पहले आपको व्यक्ति की यानी कि जो अपहरणकर्ता जिनका बताया जा रहा है कि नेता की बेटी ने जो भी बयान दिया, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आपको पुलिस की दिए हुए बयान भी सुनाएंगे। पहले महिला की बाइट सुनिए। सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाह की पुत्री रिया शाह की हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाह के व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से। तो बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी का बयान सुना आपने, जिन्होंने कहा कि उनके पिता को जबरदस्ती लेके गया जाया गया है और उनका अपहरण की बात स्वीकार करी है। वहीं पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है और आपको सुनाते कि पुलिस का क्या कहना है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें औरैया स्थित बिधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी माँ लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी, जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में, वहाँ पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराया गया है, वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है। तो आपने दोनों की बयान सुने, पुलिस के भी और विनय शाक्य की बेटी के भी। तो विनय शाक्य की बेटी का कहना है कि उनके पिता का अपहरण हुआ है और उनकी हालत ठीक नहीं थी। और वहीं पुलिस का बयान सामने आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने किसी रिश्तेदार क्या है। तो दोनों की बातें आपने सुन ली है और इस खबर पे हमारे साथ अब संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, क्या है पूरा मामला? एक तरफ बेटी का बयान कुछ और सामने आ रहा है और पुलिस का कुछ और ही कहना है, आपके पास क्या जानकारी है? उन्होंने कहा था कि हमारे पिता का अपहरण हो गया है, वहीं पर दादी और उनके चाचा उनको अपने साथ ले गए हैं कि हमारे पिता नहीं पैरा लाइट के शिकार भी है। वही अगर अक्षय वर्मा ने देर रात के जांच जारी किया, उन्होंने बताया कि इटावा से वो इटावा में शांति कॉलोनी में सुरक्षित है और उनका जांच से बात भी हो चुकी थी। जी जाहिद, अगर विधायक सुरक्षित है तो बेटी द्वारा ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है?
वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बेटी किसी के बहकावे में आकर ये आरोप को लगा रही है। अगर बात कही जाए तो उनकी दादी और उनके पिताजी और वहाँ पर सुरक्षा गार्ड इलावा में वहाँ सुरक्षित है द्वारा जानकारी समूह में ले ली गई है। जी, तो इनके पिता ने क्या इस्तीफा दिया है अपने पद से या फिर नहीं, या फिर ये वापस इसे बीजेपी में जुड़ना चाह रहे हैं? अभी कोई मैडम विधायक जी तरह के शिकार नहीं होंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। वीडियो कॉल के माध्यम से राष्ट्रीय में पुलिस अधीक्षक द्वारा बातचीत की गई थी। जी, इशारों इशारों में उन्होंने बात की थी। जी, तो अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस ने तो ये बता दिया है कि विधायक सुरक्षित हैं और वो किसी रिश्तेदार के सुरक्षित हैं और इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इसके बाद अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का भाई पर यही कहना है कि अगर तैयारी जाती है तैयारी के आधार से कार्रवाई की जाएगी, अभी तक नहीं मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़े थे, जिन्होंने बताया है कि पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि विधायक बिल्कुल सुरक्षित हैं और अगर कोई तहरीर आती है तो उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। तो इस्तीफों का दौर जारी है, जहां ठंड में भी राजनीति गर्मा रही है, राजनीति की वजह से मौसम गर्माता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति चरम पर है, जहां दल बदलने का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही उनके कुछ समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच औरैया जिले से बिधूना सीट से भाजपा विधायक विनय शाक के भी गायब बताए जा रहे हैं और उनकी बेटी ने दावा किया है कि उनका अपहरण कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने बताया है कि अपहरण नहीं हुआ है, वो एकदम सकुशल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम करने में लगे हैं। इसी के मद्देनजर उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप के नेताओं की बड़ी बैठक केंद्रीय नेताओं के साथ होने जा रही है। इस बैठक में राज्य इकाई द्वारा भाजपा भेजे गए नामों के अलावा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विभिन्न सर्वे के माध्यम से जुटाए गए नामों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। जबकि कल भी भाजपा कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ था। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है, लगातार 2 से 3 दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी एक बार फिर दिल्ली में बैठक होनी है। यह बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम करने में लगे हैं। इसी के मद्देनजर उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में यूपी के कोर ग्रुप के नेताओं की बड़ी बैठक केंद्रीय नेताओं के साथ होने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली मुख्यालय में, जो बीजेपी का दिल्ली मुख्यालय है, वहां पे कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, कई नेताओं सहित कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बीच अब ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है कि क्या ये बैठक होगी, समय से होगी या फिर इसमें कोई बदलाव होगा, किस तरह से बैठक होगी, वर्चुअल होगी या फिजिकल होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कई कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है कि क्या ये हो पाएगी या फिर इसे रद्द किया जाएगा। लगातार बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं और बैठकों में वो दिग्गज नेता शामिल भी थे जो अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। और एक और बैठक, और ये बैठक क्या कोरोना का प्रसार और कर देगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या बैठक होनी चाहिए, क्योंकि अब इस पे विपक्ष ने निशाना भी साधा था और विपक्ष ने कहा था कि बैठकों पर रोक लगनी चाहिए बीजेपी की। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली मुख्यालय में यूपी के कोर ग्रुप के नेताओं की बड़ी बैठक होगी केंद्रीय नेताओं के साथ, तो यूपी के नेता और केंद्रीय नेता दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्या ये बैठक संभव हो पाएगी? जी बिल्कुल, शिखा आपको बता दें, जिस तरीके से बीते 3 दिनों से ये बैठक का दौर लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी में, और जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना पॉजिटिव है, जैसा कि कल की अगर हम बात करें तो वो वर्चुअली तौर पर मीटिंग में जुड़े थे, और आज जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं आज भी जो नेता पॉजिटिव है, जो कोरोना पॉजिटिव है, वो वर्चुअली तौर से एक मीटिंग में जुड़ेंगे। लेकिन फिर भी अभी चुनाव में काफी कम समय रह गया है और ऐसे में सीटों का निर्णय और घोषणा पत्र का निर्णय और तमाम जो प्रत्याशियों का चयन है, इन तमाम चीजों पे जो बैठकें हो रही है, इसका
इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग को स्थगित नहीं करेगी, लेकिन जो नेता पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, वो कहीं ना कहीं वर्चुअली माध्यम से इस मीटिंग में जरूर जुड़ेंगे। जी, जिस तरह से अजहर बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है आज बीजेपी दफ्तर में, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में, जिस तरह से कई नेता कार्यकर्ता जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो उसके बीच फिजिकल तौर पे ये बैठक करना क्या सही रहेगा? क्या वर्चुअली सभी एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वर्चुअली एक साथ सभी जुड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे मीटिंग करना, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पे शिखा अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो ऑल ओवर टेस्टिंग हो रही है उसमें 90% लगभग ओमिक्रॉन के मामले देखने को मिल रहे हैं, जो काफी भयावह हैं। ऐसे में जो बैठकें हो रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या समाजवादी पार्टी में हो या बहुजन समाज पार्टी में हो, तमाम विपक्षी दल भी जो है वो भी मीटिंग का दौर लगातार जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये मैनुअल मीटिंग है ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में वर्चुअल मीटिंग करना जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जी, और जिस तरह से 2 से 3 दिनों से लगातार बीजेपी की बैठक चल रही है और इसमें विपक्ष ने निशाना भी साधा था, और जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन भी कल से शुरू किया बीजेपी ने, तो इसको कोरोना प्रसार बताया था, इस पे रोक लगाने की मांग भी की थी चुनाव आयोग से, तो क्या अब इस पे रोक लगाई जाएगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बीजेपी के, तो क्या सभी चीजों पर रोक लग सकती है? बिल्कुल शिखा, जैसा कि विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दी है, वहीं जो डोर टू डोर संपर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो योजना चला रही है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर आता है कि जो 5 लोग डोर टू डोर जाके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लाभार्थियों से जुड़ रहे हैं और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बता रहे हैं लाभार्थियों को, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर आता है। विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर है और लगभग 5 ही लोग तमाम जनपद में, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद में लगभग 5 ही लोग जा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और विपक्ष दल के नेता भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं इस पर नहीं रोक लगाई जा सकती। जी, और जिस तरह से बैठक आज होनी है, अगर ये वर्चुअल माध्यम से भी होती है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बैठक में? जी बिल्कुल शिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है और 11 तारीख से लगभग 14 तारीख है मकर संक्रांति के बाद जो चुनावी प्रक्रिया, जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी लगभग 60 विधायकों की सीट काटने वाली है, जिनमें कुछ ऐसे विधायक हैं जो जिनका स्थानीय लोगों में गुस्सा है, जिनका रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल के अंतराल में जो नहीं ठीक आया है, तो कहीं ना कहीं उनके वोट भी कटने वाले हैं। जो छटनी होने वाली है वो काफी बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगी, और जैसा कि जो बीजेपी अलायंस की पार्टियां हैं, जैसे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, तमाम जो बीजेपी अलायंस, एनडीए का जो अलायंस है, इसमें पार्टी सीटों को लेकर भी मंथन जारी है, और लगातार जैसे रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो अपनी 10 सीटों की मांगों को लेकर वो भी लगातार अड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन उनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें 10 सीटें नहीं देती है तो हम फिर भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लेंगे। अब तो ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि जो एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी सीटें देती है और खुद कितनी सीटें लड़ती है, और जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी में उनमें किनके किनके टिकट कटते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो टिकट बंटवारे को लेकर आज ये अहम बैठक होगी और जितने भी नेता विधायक हैं उनके नामों पर आज चर्चा संभव है।
देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की दहशत के बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले अब डराने लगे हैं। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे में यूपी में 11,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 11,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए हैं यूपी में और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11,049 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,144 मामले केवल राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं देश के कई राज्यों में अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी 11,089 मामले सामने आए हैं। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देश में तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल शिफा, साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार पिछले हफ्ते से देखे जा रहे हैं कि लगातार 1,000 का जो प्रतिदिन का आंकड़ा है वो पार होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो ये तो 1,444 के आंकड़े पर पहुंच गया। ये कहीं ना कहीं काफी भयावह है। और पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 11,000 से ऊपर कोरोना के सक्रिय मामले पहुंच चुके हैं। और राजधानी लखनऊ की खास तौर पर बात करें तो लगभग 7,500 से ऊपर ये मामले पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी भयावह स्थिति, और खास तौर पे जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 275 मामले ओमिक्रॉन के सक्रिय मरीज है राजधानी लखनऊ में। और जो बीते 24 घंटों में जो टेस्टिंग हुई है वो कहीं ना कहीं जो 90% मामले हैं वो ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सक्रिय है और वो लगातार कोविड कमांड सेंटर की निगरानी भी कर रहे हैं। और जो सक्रिय और जो रेड जोन एरियाज है जैसा कि सरोजनी नगर है और अलीगंज है, इन क्षेत्रों में, राजधानी लखनऊ के इन क्षेत्रों में ज्यादातर मामले देखने को मिल रहे हैं और जहाँ पे ओमिक्रॉन के भी ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम तरह की जो टेस्टिंगें हैं वो बढ़ा दी गई, आने जाने वाले यात्रियों की तमाम तरह की तकलीफें वो बढ़ा दी गई है। और 24 घंटे की एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, जो आने वाले यात्री हैं उनकी भी काफी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और तमाम जो बाहर से आने वाले लोग हैं खासतौर से उनका ध्यान रखा जा रहा है और उनकी टेस्टिंग ज्यादा की जा रही है। जी, और जिस तरह से सख्ती देखने को मिल रही है दिल्ली में, दिल्ली से सटे इलाकों में ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं यूपी में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तो सख्ती बढ़ाई गई है लेकिन लोगों में काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा कि बाजारों में सरकार ने तो पहले से ही आदेश दे दिए हैं कि जहां पर 1,000 से ज्यादा प्रतिदिन के मामले आ रहे हैं वहां पर 50% क्षमता के साथ जो रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल्स हैं और तमाम बाजार हैं वो खोले जाए। और जो सरकारी और निजी दफ्तर है वहां भी 50% की क्षमता से जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो बाजारों में जो लोगों के द्वारा लापरवाही, और शिखा आपको बता दें जिस तरह से चुनावी वर्ष है और चुनावी साल है और चुनावी रैलियां देखने को मिल रही है, और बीते दिनों जो तमाम पार्टियों द्वारा चुनावी रैलियां भी की गई जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वो भी संक्रमण है। और ये वो भी संक्रमण देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार जैसे ही टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वैसे ही मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी अजहर, जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्या हम लोग एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इलेक्शन के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ देखते हुए कोई सख्त कदम उठा सकती है सरकार? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरह से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना की सेकेंड वेव की बात करें जो डेल्टा वेरियंट था वो काफी ज्यादा खतरनाक था इस ओमिक्रॉन से। इस ओमिक्रॉन में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जो डेल्टा वेरिएंट था वो लगातार लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था, जिससे मरीज सीधा हॉस्पिटलाइज हो रहे थे और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। वहीं अगर ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन ये इसका संक्रमण दर तो ज्यादा है, लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है लेकिन फिलहाल इससे कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जो भी संक्रमित मरीज है उनमें हल्के ही लक्षण दिख रहे हैं और वो होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं। उसको लेकर ICMR ने भी एक गाइडलाइन जारी की है जिसपे प्रदेश सरकार मंथन करेगी और उसके बाद वो जारी करेगी। ICMR की जो गाइडलाइंस है उसमें ICMR ने साफ तौर से ये कहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो जो संपर्क में आए हुए लोग हैं उनकी टेस्टिंग जरूरी नहीं है, और जो लोग जो कोरोना पॉजिटिव है उनके संपर्क में जो लोग आए उनकी टेस्टिंग अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो बाहर से लोग आने वाले हैं
या बाहर जाने वाले हैं उनकी जरूर टेस्टिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं इसका फैलाव तो ज्यादा है लेकिन इसके लक्षण इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है इससे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़े। सर, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि विदेशों में ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत की संख्या भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है, लेकिन अगर बात करें भारत की तो भारत में इतना खतरनाक नहीं साबित हो रहा है ओमिक्रोन, तो क्या इसके पीछे वजह वैक्सीनेशन है? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, लगभग प्रतिशत दर प्रतिशत जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओमिक्रॉन का प्रकोप है वो थोड़ा सा कम है और मृत्यु दर भी कम है। जैसा कि बीते दिनों देखा जाए लगभग 4 से 8 मौतें और 8 और 8 5 मौतें हुई है बीते 24 घंटों में, तो कहीं ना कहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो काफी कम है। बाहर के देशों की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में या भारत देश में जो मौतों का आंकड़ा है वो काफी कम है, तो कहीं ना कहीं इसकी खास वजह ये भी है कि लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अब तो सरकार ने 15 से 18 साल की आयु के भी जो किशोर हैं उनके भी वैक्सीनेशन की आदेश दे दिया है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और ये बहुत बड़ा हथियार है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े थे जो कि हमें कोरोना पे जानकारी दे रहे थे। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये भी हम देख सकते हैं कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ तो रहे हैं लेकिन ये इस वक्त इतने खतरनाक नहीं है क्योंकि देश हमारा ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीनेट हो चुका है। ज्यादा बड़ी संख्या हम लोगों ने पार कर ली है जिसमें वैक्सीनेट हो चुके कई लोग, जिसकी वजह से अब कोरोना कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।